ओके नमस्कार प्रणाम। आज हम लोग बात करते हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस के बारे में, और ये मतलब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन स्विच है जिसका कि हम लोग यूज करके देखने जा रहे हैं कि ये एक डिजिटल प्रेशर स्विच है। यहाँ पे अगर किस तरीके से ऐसे करके इसको देखें तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डिजिटल प्रेशर स्विच। अगर इस प्रेशर को हम लोग यहाँ से कुछ देर के लिए निकाल लें तो अगर नाम देखें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे नाम लिखा हुआ है डिजिटल प्रेशर स्विच। यहाँ पे डिस्प्ले है जहाँ पे जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को यूज करके देखते हैं कि हम लोग कैसे फंक्शन करते हैं। अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है, मतलब इस पे 24 वोल्ट दे सकते हैं, इस पे 0 वोल्ट दे सकते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो आउटपुट ले सकते हैं। अब इस आउटपुट को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को ऑन करने के लिए एंड ऑफ करने के लिए। कहने का मतलब कि ये भी जो एक स्विच है ना वो काइंड ऑफ एक रिले जैसा ही है। जैसे रिले में स्विचेस होता है ना, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस होता है, एनो होता है, एनसी होता है। जब रिले में हम लोग पावर सप्लाई देते हैं तो उसका एनो एनसी बनता है, एनसी एनो बनता है। उसी तरीके से इसमें भी स्विचेस है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस है। यहाँ पे देखिए इसलिए आउटपुट दो दिया हुआ है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उस रिले में हम लोग इनपुट भी सिग्नल देते हैं और आउटपुट भी सिग्नल लेते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि आप इनपुट इसको प्रेशर दीजिए, है ना, जैसे प्रेशर घटता है बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग इस डिवाइसेस का जो स्विचिंग है वो डिपेंड करता है। और ये जो जब स्विच करता है तो करता है क्या है कि एक सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करता है, है ना। मतलब इसका जो स्विचिंग है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे डिपेंड नहीं करता है, इसका जो स्विचिंग है वो एक प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रेशर एक जो सेट क्राइटेरिया है उससे अगर आपका कम होता है तो ये क्या करता है, फर्दर वो स्विचिंग करता है, राइट। अब ये कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे माउंट कर लेते हैं अपना बोर्ड पे, और इसको देखिए प्रेशर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से प्रेशर से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको प्रेशर से कनेक्ट किए। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मेन से पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे जीरो वोल्ट, सबसे पहले प्रेशर को बंद कर दिए, है ना। और यहाँ मेन से हम लोग पावर सप्लाई यहाँ पे लिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आ करके हम लोग यहाँ पे इस पावर सप्लाई को, तो यहाँ से इसको इधर से यहाँ पे देखिए ग्राउंड, और यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं 24 वोल्ट हम लोग इसको दे देते हैं इधर से। यहाँ से देखिए इसको 24 वोल्ट दे देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से इसको ग्राउंड दे देते हैं 24 वोल्ट और ग्राउंड इसको हमने दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि दो आउटपुट हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो दो आउटपुट यहाँ से निकाल लेते हैं, एक आउटपुट मेरा यहाँ पे चला जाएगा, दूसरा आउटपुट मेरा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। दो आउटपुट हम ले लिए और दोनों आउटपुट को हम इधर से ऐसे करके निकाल करके और इसको दो अलग अलग एलईडी को दे देते हैं। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग एलईडी है, इसको एक यहाँ पे दे देते हैं, एक यहाँ पे दे देते हैं, दो आउटपुट को दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम देखते ये है कि ये जो स्विच है कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हम स्विच को प्रेस किए हैं ऑन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हुआ है और ये प्रेशर बता रहा है, जो मिनिमम प्रेशर है वो बता रहा है आपको। हम क्या करते हैं, इसको एक बार यहाँ पे ऑन करते हैं और ये देखिए मैक्सिमम प्रेशर पे, जैसे ही मैक्सिमम प्रेशर पे अभी ऑन के प्रेशर को, तो यहाँ पे देखिए 436-437 प्रेशर धीरे धीरे घट रहा है, है ना, क्योंकि वो स्टोर है और वो वहां से रिलीज हो रहे तो धीरे धीरे घटेगा ही। अगर यही अगर ऐसा प्रेशर कंटिन्यूअसली वो डिक्रीज होते चला जाएगा, डिक्रीज होते चला जाएगा, तो जो हम सेट वैल्यू दिए हैं उस पे जाकर के ये जो एलईडी एक जल रहा है ये बंद हो जाएगा। अब ये कैसे, इस चीज को पहले समझिए। तो हम यहां से देखिए प्रेशर को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेट वैल्यू एक रखा है क्या 150 और एक रखा है क्या 100 पे। तो जैसे 150 आएगा, जो यहाँ पे एक जल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एक देखिए 150 आए तो दूसरा जल गया और ये दोनों बंद हो जाएगा। उसका मिनिमम क्राइटेरिया हमने रखा है 100 जैसे ही आए दोनों बंद हो गया। तो देखिए ये स्विचेस कैसे काम कर रहे हैं, समझिए। मतलब इस प्रेशर स्विच में यहां से हम लोग प्रेशर दे रहे हैं और प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर कितना था, मैक्सिमम प्रेशर 400 समथिंग था, जिसमें हम लोग एक क्राइटेरिया करके रखे थे क्या कि अगर इसका प्रेशर अगर मान लिया जाए 150 से मतलब 150 तक आता है तो ये किसी चीज को ऑन करेगा, राइट, या किसी चीज को ऑफ करेगा। ये डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन पे आप क्या करवाना चाहते हैं। मतलब ये आउटपुट देगा, 150 से बिलो आता है तो ये आउटपुट देगा, ठीक है। और जैसे ही अगर प्रेशर 100 से नीचे आ जाता है तो ये डिवाइस जो है वो किसी टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ये मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जीरो, मतलब नॉन फंक्शनिंग स्टेट में हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा।
फिर से इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम देखिए क्या करते हैं, प्रेशर को ऑन किया। जैसे ही प्रेशर को ऑन किए, देखिए एक पहला एलईडी, मतलब यहां पे देखेंगे अगर आप ध्यान से तो यहां पे एक आउटपुट देखिए प्रोड्यूस हो रहा है ये वाला, ठीक है, जो कि बताया मैक्सिमम प्रेशर पे अभी है, ठीक है। और ये आउटपुट कब प्रोड्यूस करेगा, जब ये मतलब इसका काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हैं कि उसका इनेबल स्टेट को बता रहा है, आप ये समझ सकते हैं एक स्विचिंग है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका एनसी, ये जो स्विच ए वाला एलईडी जल रहा है और ये इससे कनेक्टेड है, मतलब ये एनसी वाले कंडीशन को बता रहा है। और एनओ वाला कंडीशन कब होगा भाई, यहाँ पे जैसे ही ये वाला एलईडी जल जाएगा, तो कहने का मतलब कि इसका जो सेट क्राइटेरिया था वो सेट क्राइटेरिया को वो अचीव कर लिया। और वो सेट क्राइटेरिया क्या था, 150। अभी आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो वो प्रेशर है 392, मतलब मेगा पिक्सल प्रेशर है ना, मेगा पिक्सल, हाँ मेगा पास्कल प्रेशर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, हम प्रेशर को यहाँ पे कम कर देते हैं, तो जैसे जैसे इसको हम कम करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे 300 something 200 something ऐसे करके प्रेशर धीरे धीरे एकदम फास्ट रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे आगे देखिए 200 पे आ गया, अब 200 से कम हो रहा है 180 170 60 50, ये देखिए यहाँ पे आया, बंद ऑन हो गया ना, और वो भी ऑन है। अब ये दोनों बंद हो जाएगा, हमने रखा है उसका क्राइटेरिया 100, देखिए 100 हो गया, दोनों बंद हो गया ना कुछ इस तरीके से। तो आप किसी चीज को ऑन कर सकते हैं, किसी चीज को ऑफ कर सकते हैं, ये फंक्शन होता है डिजिटल प्रेशर स्विच का, है ना। ये क्या क्या, इसका इनपुट में हम लोग क्या किए, स्विच करने के लिए प्रेशर दिए, और ये आउटपुट क्या दे रहा है, एक सिग्नल को दे रहा है, मतलब काइंड ऑफ एक स्विचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। कि जैसे अब इसका यूज हम लोग कहां पे कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज है या घर में है या और भी कहीं पे है, मान लीजिए ये घर में अगर एसी लगा हुआ है और हम लोग कुछ इस तरीके का एक क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं, मतलब आजकल के एसी में तो खास करके इस तरीके का रहता ही है कि जैसे ही रूम टेम्परेचर अगर मान लिया जाए 30 डिग्री के आसपास होता है, एसी ऑन हो जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए 25 डिग्री 23 डिग्री 20 डिग्री मेंटेन हो जाता है, तो क्या होना चाहिए, एसी अपने आप बंद होना चाहिए। मतलब एसी काम कितना कितना के रेंज में कर रहा है, 20 से 30 के रेंज में एसी काम करता रहेगा। तो कुछ उस तरीके का वहां पे जो जब स्विचिंग करना होगा तो हम लोग इस तरीके का स्विचेस को यूज कर सकते हैं। बट वहां पे एसी के केस में हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, थर्मोस्टैट का यूज करेंगे, क्योंकि वो थर्मोस्टैट का काम है टेम्परेचर को सेंस करना। बट जहां पे कुछ प्रेशर से रिलेटेड कुछ इस तरीके का स्विचिंग ऑपरेशन करवाना है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रेशर स्विच का यूज कर सकते हैं। क्लियर, ऐसा ओके। चलिए आज के क्लासेस हम लोग, आज का इस प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग सिर्फ इसी के बारे में हम लोग समझते हैं, और नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक और कुछ नेक्स्ट डिवाइसेस के साथ में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी सजेशन राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, मतलब राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, मतलब इवन मतलब वॉट एवर क्वेश्चन यू विल राइट पोस्ट इन द कमेंट, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग।